हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनीस वाइनर्स एंड ब्लॉग। और आज मैं आई हूँ बेनाचिटी और कवर करूँगी यहाँ के शॉपिंग मॉल्स को और क्या क्या फेमस है यहाँ के खाने में। तो बने रहे वीडियो में और एंड तक देखें। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक दुर्गापुर वाली व्लॉग नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक करना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपीज़ एंड व्लॉग मिस ना करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो अभी हम आए हैं ट्रेंड्स में और ये है मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं हमेशा शॉपिंग पे जाती हूँ या घूमने जाती हूँ। तो हम जाएंगे शॉपिंग पे। तो अभी हम आए हैं ट्रेंड्स के अंदर और आप यहाँ का समर कलेक्शन देख सकते हो। तो अभी हम ट्रेंड से निकल रहे हैं और जाएंगे SBF मॉल की तरफ। ये वाली मॉल जो है न्यू खुली है और इसमें मल्टीप्लेक्स भी है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो बने रहे वीडियो में और आपको दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। तो ये मॉल टोटल 6 फ्लोर की है और आप देख सकते हो हर फ्लोर में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप जब भी अंदर जाएं इसे चेक करते हुए जाएं। यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स है वो भी बहुत सुंदर है मैंने सुना है, तो होगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये एक हुक्का कैफे है आप देख सकते हो। तो अभी हम हैं 5th फ्लोर में और ये है SBF सिनेमा हॉल। तो इस नए हॉल की इंटीरियर बहुत ही सुंदर है और अंदर रेक्लाइनर सीट्स भी है जिसकी प्राइस आई थिंक 200 to 250 है।
जगह है और आपको एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अगर आप मूवी नहीं भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के फूड कोर्ट में फूड एंजॉय कर सकते हो। बहुत सुंदर जगह है। अभी हम SBF मॉल से निकल रहे हैं और हम मूवी नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें और भी काम है। हम लोकल मार्केट जाने वाले हैं तो, और यहाँ से हम वाव मोमो जाएंगे तो देख लेते हैं वाव मोमो कहाँ है और आपको दिखाऊंगी वाव मोमो में हमने क्या ऑर्डर किया है और उसके बाद बाकी के लोकल मार्केट को। तो ये है इनका मेन्यू और आप देख सकते हो मेन्यू में स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो और पैन फ्राइड मोमो होती है और बहुत तरह के कॉम्बोज भी होते हैं। अगर आप सिंगल आते हो या दो तीन लोग भी आते हो तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनका कॉम्बो देख लें और वीकेंड्स को तो बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स होते हैं तो पहले आके आप कॉम्बो ही चेक करें। और जब आप इस तरह का फास्ट फूड खाते हो कहीं भी तो आपको बेवरेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो कॉम्बो में वो चीज़ पहले ही इंक्लूडेड रहती है तो आपको कॉम्बो ही चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोमो नहीं खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे फ्राइड राइस और नूडल का ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ऑर्डर दे दिया है और 10 मिनट्स तो लगेंगे तो तब तक के लिए वेट कर रहे थे और आपको बताऊंगी हमने कौन सा कॉम्बो ऑर्डर दिया है और कौन सा आपको मंगवाना चाहिए। ये हमारा मील आ चुका है। और पहले तो हम प्रॉन पैन फ्राइड मोमो ऑर्डर करना चाहते थे जो कि बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का वाव मोमो का, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी अभी। तो अगर आप यहाँ पे वाव मोमो आते हो जो कि आई थिंक पूरे दुर्गापुर में फर्स्ट ब्रांच है ये बिना चिटी में, और आप अगर यहाँ पे आते हो तो वो वाली डिश अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ऑर्डर करें। प्रॉन पैन फ्राइड मोमो बहुत ही सुपर होती है। तो आप टेस्ट करके बताती हूँ हमने जो मंगवाया वो कैसा है। हमने जो कॉम्बो मंगवाया है वो है मोमो मेनिया। तो ये वाली कॉम्बो वीकेंड के लिए है, फ्राइडे टू संडे। अगर आप वीकेंड को जाते हो तो ये वाली कॉम्बो ट्राई कर सकते हो। इसमें 8 पीस चिली मोमो रहेगी, आई थिंक जैसे चिकन होता है वैसे ही चिली की ग्रेवी होगी, उसमें पैन फ्राई किया गया है और बर्गर है दो, नॉन वेज बर्गर है और पेप्सी। तो खा के बताती हूँ कैसी है। तो ये इनका स्टीम मोमो जिसे चिली ग्रेवी में स्टर फ्राई किया गया है।
बढ़िया टेस्ट है। मोमो में चिकन की फिलिंग बहुत ही अच्छी है और हल्का सा स्पाइसी है। जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर आपने देखा अंदर में थी तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मीठा तो नहीं बोलूँगी पर हल्की सी मीठी है और नमकीन और सोया सॉस का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हालांकि चिली चिकन जैसी लग रही है पर है नहीं, टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट है। मोमो में पैन फ्राई किया गया है तो मोमो का ही टेस्ट आ रहा है और जिसमें चिली यूज़ किया गया है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आपको ये स्पाइसी लगने वाली है। तो आप जब भी ऑर्डर करें आप उनको बोलें ज़्यादा स्पाइसी ना खाते हो तो आप उनको बोलें कम स्पाइसी करने को, क्योंकि ये मेरे लिए तो ठीक है, मैं तीखा खाती हूँ तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं लग रही है। पर अगर आप नहीं खाते हो तो उनको कम देने के लिए बोलें, अदरवाइज ओके है मेरे लिए। तो ओवरऑल चटपटी सी डिश है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि प्राइस के हिसाब से आपको एक क्वालिटी एम्बियंस तो मिल ही रही है, साथ ही फूड की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो इस बर्गर में मैंने चीज़ नहीं डलवाया है, अगर आप चाहो तो सिंगल या डबल लेयर की चीज़ ऐड करवा सकते हो जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 19 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये वाली कॉम्बो में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सारा कुछ वेज ले सकते हो। तो काफ़ी टाइम से वेट था कि वाव मोमो इधर भी आ जाए दुर्गापुर आसनसोल में, और एक एक ब्रांच तो आ ही चुकी है और हमारा खाना भी फिनिश हो गया है। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस रहा, तो आप भी ज़रूर विज़िट करें वाव मोमो पे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पता नहीं क्यों बेनचनी के ज़्यादातर कपड़ों के शॉप में पुतलों को इस तरह से चादर पहनाया गया था जैसे कि उन्हें ठंड लग रही हो, तो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है। ये गर्मी में भी ठंडी गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा है पुतलों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद हम दोनों एक साथ मिल रहे हैं और कॉलेज वाला दिन याद आ रहा है। तो ये शॉप द लेगेसी आपने अभी शॉप देखी होगी उसी के ऑपोजिट है, अगर आप पेट बाय करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। सितारा मैंने प्यार किया वाला कबूतर, खरगोश, ओ तो क्यूट है। तो ये शॉप और एक और शॉप आएगी आपको दिखाऊंगी, दोनों ही शॉप चाय और लस्सी के लिए बहुत ही फेमस है बेनचिट्टी में। तो हम लस्सी ट्राई करना चाह रहे थे पर ज़रा भी भूख नहीं थी हमें,
मोमो खा के पूरा पेट भर गया था। तो आप अगर बेनाचिट्टी आए तो आप ज़रूर ट्राई करें इनकी लस्सी। तो अगर आप पहली बार बेनाचिट्टी आ रहे हो और आपको ये बात नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप मंडे को तो ना आए बेनाचिट्टी अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स क्लोज्ड रहती है। और आप दोपहर के टाइम ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स क्लोज्ड रहती है और 4-4:30 बजे की तरफ खुलती है। और इस जगह पे तो चाहे कोई भी लड़की हो वो एक बार तो ज़रूर रुकेगी और इन ईयरिंग्स को ज़रूर देखेगी। तो सारे ईयरिंग्स के प्राइसेस अलग अलग हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर ईयरिंग्स हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके के बैंगल्स हैं और इसकी प्राइस 100-150 है। तो ये है अमित स्टोर और यहाँ पे हर तरह की फैब्रिक मिलती है। अगर आप सूट पीस भी चाहो वो भी मिल जाएगी यहाँ पे। और बहुत ही फेमस शॉप है बेनाचिट्टी की, जो लोग यहाँ के आसपास हैं वो तो जानते ही होंगे। और एक और स्टोर है कल्पना स्टोर्स, यहाँ पे भी हर तरह की सूट पीस और फैब्रिक्स मिलती है। तो लोकल मार्केट घूमने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ की फेमस बिरयानी शॉप हाजी बिरयानी। बहुत ही ओल्ड शॉप है ये भी और मैं लूँगी यहाँ से चिकन बिरयानी और मैं पार्सल करवाऊँगी और घर जाकर आपको बताऊँगी इनकी बिरयानी कैसी है। तो मैंने इनकी पहले भी खाई हुई है कई साल पहले, जब इनकी ओल्ड शॉप हुआ करती थी, अब ये वाली न्यू खुली है। तो इससे पहले मैंने आसनसोल के फेमस आशीर्वाद कोलकाता बिरयानी को भी कवर किया है, अगर आप वो वाली व्लॉग देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनकी बिरयानी भी बहुत ही अच्छी थी। और ये है चिकन का पीस, एक बड़ा और एक छोटा दिया गया है। तो प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल से चिकन का जो पीस है उसका साइज़ बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। और ये पूरा प्लेटर जो है वो एक आदमी के लिए बहुत ही सफिशिएंट है और इनफ रहेगा। ये चिकन आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्टली टूट गई
और अंदर भी वेल कुक्ड है, जबकि ऐसी वाली पीस थोड़ी सी च्यूई होती है लेकिन बहुत ही अच्छे से टूट गई। और आलू दिखाती हूँ, मक्खन बहुत ही अच्छे से कुक हुई है, बिरयानी की आलू ऐसी ही होनी चाहिए। तो अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ, थोड़ा सा एग लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाइट सी बिरयानी है, मतलब इतने गर्मी में ये ऐसी टाइप की बिरयानी बहुत ही सही रहती है। बहुत ही माइल्ड सा मसाला डाला गया है। और तो इस बिरयानी में बरिस्ता ना होने के बाद भी ये बिरयानी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें आने वाले न्यू व्लॉग्स एंड रेसिपीज़ के लिए।